प्रदेश है जहां पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पिस्तौल से जिंदा कारतूस बरामद की गई। बताया जाता है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पटेल ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर हिरासत में लिया है, जिसे पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश कर और वहां से दरअसल थाना प्रभारी समान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि संजय नगर गेट के पास रिवर में दो व्यक्ति अवैध रूप से पिस्टल कवर में खोसे हुए कोई घटना करने की फिराक में है। सूचना की तस्दीक है तो मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया के व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया तो एक व्यक्ति भाग निकला। मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम आकाश जायसवाल, पिता राजभान जायसवाल, उम्र 21 वर्ष, निवासी गुलाब नगर थाना समाज जिला रीवा होना बताया है, जिसकी साक्षियों के समक्ष तलाशी ली गई, जो शर्ट के नीचे पैंट में एक लोडेड पिस्टल खोसे हुए था जो स्टील जैसी थी, जिसे रखने का वैध लाइसेंस मांगा गया तो उसके पास कोई कागजात नहीं थे, जिसके कब्जे से एक अदद पिस्टल एवं मैगनीज के अंदर एक कारतूस जिसमें पेदे पर अंग्रेजी में KF 7.65 mm लिखा मिला। आरोपी खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है। उक्त आरोपी को पकड़ने में निरीक्षक जेबी पटेल, प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर सिंह, आरक्षक दीपक, आरक्षक दामोदर कौर, ज्योति एवं थाना स्टाफ टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।